राजगढ़ जिले के ब्यौरा शहर के माता मंड मोहल्ले में कल रात को लॉकडाउन के चलते गश्त पर गए दो पुलिस आरक्षकों पर 5 असामाजिक तत्वों ने हमला कर अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। रात्रि में जो घटना हुई उसके संबंध में जो हमारे आरक्षक हैं उनकी तरफ से कायमी FIR हो चुकी है और उसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है FIR में, और जैसे ही आगे कोई कार्रवाई होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। घटना का थोड़ा विवरण मिलेगा? ये लॉकडाउन चल रहा था और जो दो आरक्षक हैं ये दोनों बीच में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे अपनी बाइक से, और कुछ लोग अनावश्यक घरों से बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने घर में जाने के लिए समझाइश दी थी। इस पर उन लोगों ने आपत्ति जताई कि हम घरों में नहीं जाएंगे, आप लोग क्यों रोक रहे हैं, हम बाहर ही घूमेंगे। इसी को लेकर विवाद हुआ था और फिर बाद में FIR हो गई है। बाद में थाने का फोर्स पहुँच गया था। मारपीट हुई मैम इनके साथ? नहीं, ऐसी कोई मारपीट वगैरह नहीं। मारपीट वगैरह नहीं हुई है? नहीं, मारपीट वगैरह नहीं हुई है। अभद्रता हुई है और फिर थाने का फोर्स पहुंच गया था। सुनने में ऐसा आ रहा है कि मुस्लिम लोग थे? हाँ, इसमें जो आरोपी है वो मुसलमान है। आरोपी होता है, उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मैम इनके नाम, 5 के नाम तो मिल गए, किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? ये एक तो ड्यूटी के समय शासकीय कार्ड में बाधा 353, 294, 332, 506, 427 धाराओं में कायम हुई है। मैम, 5 आरोपी मातामंड मोहल्ले के ही हैं? हाँ, ये 5 आरोपी मातामंड मोहल्ले। गिरफ्तारी हुई क्या मैडम इनकी? अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसे भी आगे की कार्रवाई या गिरफ्तारी होती है आप लोग का अवगत करा जाएगा। गिरफ्तारी 5 में से किसी की नहीं हुई? नहीं, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैम, सुनने में रात को एक को गिरफ्तारी कर लिया, वो मुश्ताक नाम से है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूछताछ कर रहे हैं जी। क्या कहते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।